स्ट्रेटजी, जब वर्क स्मार्ट किया जाता है और जब स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाएगा, वो हाँ तुम लग गया सुबह पहले ही आके उसने दरख्त काटना शुरू किया और शाम तक लगा हुआ और उसकी बॉडी रिलैक्स भी रही क्योंकि उसने दिमाग से काम किया और उसकी बॉडीजेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल गनी और आप देख रहे हैं पेप्सी एंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, वो है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्कर कभी भी कामयाब नहीं होता। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हार्ड वर्कर कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर हार्ड वर्किंग से कामयाबी मिलती तो एक लेबरर जिंदगी में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है और वो हार्डली 500 रुपया डेली, 15,000 रुपया महीना कमा रहा होता है तो वो सक्सेसफुल ना हुआ। कामयाबी मिलती है स्मार्ट वर्किंग से, जब आपकी बॉडी काम ना कर रही हो, आपका दिमाग काम कर रहा हो, दिमाग से आप हार्ड वर्क करवा रहे हो और बॉडी को आप रिलैक्स कर रहे हो, तो फिर आप कामयाब होंगे। आइए समझते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू इज द स्ट्रेटजी। जब वर्क स्मार्ट किया जाता है तो उसमें स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है और हार्ड वर्क में अंधाधुन इंसान काम किया जाता है, और जब स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाएगा वो हार्ड वर्क नहीं होगा, वो स्मार्ट वर्क होगा और उसके फ्रूट्स बेहतर आएंगे। एक सादा सा एग्जांपल देते हैं। दो लोग हैं, उन्हें दरख्त काटने का टास्क दिया गया है। एक अंधाधुन लग गया सुबह पहले ही आके उसने दरख्त काटना शुरू किया और शाम तक लगा हुआ है। दूसरा क्या करता है, वो पहले जाके अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर करता है, उसको ठीक करता है, उसको तेज करता है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेके जाता है और फिर दरख्त काटना शुरू कर देता है। तो रिजल्ट क्या निकला, जिसने हार्ड वर्क किया उसने अपने जिस्म को थका लिया और जिसने स्मार्ट वर्क किया, अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेके गया, उसने काम भी जल्दी किया और उसकी बॉडी रिलैक्स भी रही क्योंकि उसने दिमाग से काम किया और उसकी बॉडी रिलैक्स हुई। जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो फिर आपका काम जल्दी हो जाता है और अच्छा होता है। तो हार्ड वर्क से कामयाबी नहीं मिलती, स्मार्ट वर्क से कामयाबी मिलती है, स्ट्रेटजीज बनाने से कामयाबी मिलती है। आप देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जो अपर लेवल पे लोग होते हैं वो कम काम कर रहे होते हैं और उनकी अर्निंग सबसे ज्यादा होती है, और जो लोअर लेवल पे जो लोग होते हैं उनकी बॉडी से ज्यादा काम लिया जाता है और उनकी सैलरी सबसे कम होती है, क्योंकि अपर लेवल वाले स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं और नीचे वाले उस स्ट्रेटजी पर अमल कर रहे होते हैं। ऊपर वाले स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, नीचे वाले हार्ड वर्क कर रहे हैं। फ्रूट किसको ज्यादा मिल रहा है? फ्रूट उसको ज्यादा मिल रहा है जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, और उसको कम मिल रहा है जो हार्ड वर्क कर रहा है। तो आज से हार्ड वर्क करना खत्म करें और स्मार्ट वर्क करना शुरू करें। कोई भी काम जब आपके सामने आता है सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी डेवलप करें और उसका इजीएस्ट वे ढूंढें। किसी काम को करने का सबसे आसान रास्ता ढूंढ लेना, ये स्मार्ट वर्क है, और अंधाधुन काम में लग जाना ये हार्ड वर्क है। तो आपने कोई भी काम सामने आने पर उसका सबसे आसान रास्ता ढूंढना है कि उस गोल को अचीव करने का सबसे आसान रास्ता क्या है, फिर आप कामयाब बंदे होंगे, नहीं तो आप एक लेबरर की तरह सारा दिन मजदूरी करते रहेंगे। अच्छा, किसी भी काम को स्मार्ट तरीके से करने के लिए रेस्ट की भी जरूरत होती है। बॉडी की एक कैपेसिटी है, 4 घंटे आपने लगातार काम कर लिया तो उसके बाद आपको रेस्ट की जरूरत है। अगर 5वां घंटा आप काम करेंगे तो उस काम में उतनी प्रोडक्शन नहीं आएगी, बल्कि वो डिक्लाइन का शिकार हो जाएगा। और जब वो काम डिक्लाइन का शिकार होता है तो उस वक्त बेहतर ये है कि इंसान बॉडी से वर्क ना ले, उस वक्त बैठे और सोचे, प्लानिंग करे कि उस काम को करने की सही डायरेक्शन क्या है, और प्लानिंग के बाद दोबारा रेस्ट के बाद प्लानिंग के बाद वो काम दोबारा शुरू करे, फिर काम बेहतर अंदाज से होगा। कोल्लू के बैल की तरह काम नहीं करना जो एक ही जगह पे जो है घूमता रहता है। हार्ड वर्क तो वो भी कर रहा है लेकिन आपने कोल्लू का बैल नहीं बनना, आपने एक अकलमंद इंसान बनना है, क्योंकि अकल इंसान को अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और बड़े बड़े जानवर जो है उसके ताबे है क्योंकि उसके पास अकल है। तो इंसान बनना है, अकल को इस्तेमाल करना है, स्ट्रेटजी बनानी है और जानवरों की तरह ऐसे नहीं करना कि जो काम सामने आया बगैर सोचे समझे कोई स्ट्रेटजी बनाए उसके पीछे भाग पड़े कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं,
ये हार्ड वर्क नहीं है, ये बेवकूफी है, और ये बेवकूफी जो इंसान करता है वो सिर्फ अपने जिस्म को थका लेता है और उसको कोई प्रोडक्शन नहीं मिलती। अगर प्रोडक्शन जनरेट करनी है तो दिमाग को इस्तेमाल करना है, स्ट्रेटजी बनानी है और कामयाब आदमी बनना है। थैंक यू वेरी मच।